नमस्ते सबको, पहचाना, फिर से वापस आ गए। इस बार हम लोग कर रहे हैं टोटली डिफरेंट थिंग, 25 पाउंड का चैलेंज, वो भी लंदन के सबसे बिजी फूड मार्केट पे, बोरो मार्केट। लेट्स डू दिस, कम ऑन। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ स्नैक्स टाइप का कुछ स्टार्ट करेंगे जो कि लाइट होना होगा, नहीं तो पहले ही पेट भर जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि 25 पाउंड में पेट भरेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, वही चैलेंज है। बट स्टार्टिंग में कुछ स्नैक्स टाइप का कुछ छोटा सा कुछ लूँगा, उसके बाद जाके विल ट्राई अ बिगर मील। लेट्स सी, कम ऑन। वी पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल, हम लोग का बजट पे 6 पाउंड 50 है, ट्रेडिशनल सॉसेज है, एंड शी गोना से व्हाट इट्स ऑल अबाउट। यस, you have the traditional, yep, which is most popular, yep, is pork and dry herbs, yep. You have a pork and stilton, pork, yep, and blue cheese. You have spicy lamb, yeah, which is lambardes, mm-hmm, and you have beef pasty, beef and vegetables. Wow, that's nice. So we'll try the obviously traditional one jo hum log ke budget mein hai, and then we'll see, we'll go on. So ye pehla hai jo ki hum log ko 650 pada, which is around 700 Indian, 700 rupees. So let's try this. It's pretty hot. Garam hai bhai. Ye bahut famous hai, lekin by the way, yahan is market ka bahut zyada famous hai. Isme dekho kitna bada stuffing hai. So it's quite juicy as well. Thoda juicy bhi hai. एंड जो मीट है वल्ला, आई गिव 8.5 एटलीस्ट, 8.5 फॉर दिस, इट्स वर्थ इट। राइट, द नेक्स्ट वन मुझे ट्राई करना है वर्स्टर, जो मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया था मिस्टर बीन ने। बचपन से मुझे ट्राई करना है ये चीज़, एंड अभी तक ट्राई नहीं किया, मतलब दूसरा वाला खाया हूँ, बट ये प्रॉपर वाला वर्स्टर है, सो मुझे ये वाला ट्राई करना है। सो नेक्स्ट ये वाला ट्राई करेंगे। लेट्स सी, लेट्स सी। जैसे मिस्टर बीन खाता था ना, मिस्टर बीन ऐसे वाला वैसे करके खाना है। ये मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, हर एक शॉप का दो दो टाइप का ओस्टर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा प्राइस चेक कर लेना, मुझे ये दुकान मिला तो इसमें ओस्टर बार ये है, ये वाला शॉप है, इसमें थोड़ा प्राइस मुझे कम लगा। इधर 6350 करके ईच है। मैं एक पहले ट्राई करूँगा, देखता हूँ कैसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी उसका पहले ट्राई नहीं किया। सो एक ट्राई करके देखूँगा, अगर पसंद आता है तो दो लूँगा उसके बाद। लेट्स सी। फ्री रोल्ड आयरिश फ्रॉम हैकल आइलैंड, वेस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड। राइट। द फ्री रोल्ड ब्रायनी, सुपर गुड वाटर्स, क्लीन अटलांटिक ओशन। देन वी हैव आवर स्कॉटिश व्हिच आर 5 ईयर ओल्ड्स। अ लॉट मोर मीट, वेरी फैटी, ब्यूटीफुल थिंग्स। स्टार्ट ऑफ अ लिटिल बिट nutty and then very sweet. Wow. So it depends on the age, isn't it? Like the Worcester, yeah, depends. Size on... depends, will grow bigger. So which is better? Is it the smaller one or the... There's no better in the world. It's different. It's all different. Okay. So वो लोग सिर्फ वोस्टर देते हैं, एंड देन यहाँ पे सॉस वगैरह रखा हुआ है। पहले तो मैं लेमन लूँगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा लेमन डालो। यार हिलना बनकर यार, क्योंकि लेमन के बिना होता नहीं है ना। तो लेमन थोड़ा, फिर डालना है रेड ऑनियन। बहुत बिजी है यार, बहुत बिजी है। तो रेड ऑनियन डालते हैं थोड़ा सा। पहले थोड़ा सा ही डालता हूँ ट्राई करने के लिए। फिर यहाँ पे एक सॉस है, सॉस भी ले सकते हो, और ये अलग से वो लोग का आई थिंक खुद का रेडीमेड सॉस भी है, जो कि ये है। अरे भगवान मेरे को बचा ले, पहली बार खा रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट होगा। और बोलो, नॉट बैड,
It's actually good. अच्छा है, ट्राई करो, डेफिनेटली ट्राई करो. कुछ कुछ वीडियोस पे देखा है कि यहाँ पे ट्रायल भी देता है, तो मुझे वो ट्राई भी करना है. ट्रायल जो ट्राई करके मेरे को उसके बारे में भी देखना है, कहाँ कहाँ ट्रायल देता है सब. मैं वही उसी का अभी उसी को अभी ढूंढ रहा हूँ कौन सा, क्योंकि वो सब में नहीं देता. आई थिंक मोस्टली एशियन रेस्टोरेंट्स में देता है ट्राई करने के लिए, तो मैं वो ट्राई करने का ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, किस तरह है, ढूंढ रहा हूँ. स्पैनिश डिश. सो मैंने ये ट्राई किया था स्पैन पे, एंड ये रेस्टोरेंट है, उन्होंने नॉर्मली ट्राई नहीं करवाता है, बट मेरे लिए किया. So this is, let me try this. That was hot. It's good. It's definitely good. जो स्पेन पे खाया था मैंने उससे तो डेफिनेटली गुड है. तो ये रेस्टोरेंट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा क्यू भी लगता है. लुक, यहाँ पे पूरा क्यू है, ठीक है. तो ये मैंने सबसे ज़्यादा क्यू देखा है यहाँ पे, जितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा क्यू इसी के है. तो ये बहुत अच्छा है, प्लीज़ ट्राई दिस. अगर आते हो तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली. अगर आपको राइस खाना है तो राइस भी मिलेंगे, ठीक है. ये सी फूड से बना हुआ है, दिस इज़ ऑल सी फूड, सो यू कैन ट्राई दिस एज वेल. देखा पैते, किसी को पैते पता है, तो ये पैते टाइप का भी है यहाँ पे ट्रायल करने के लिए. टू ट्राई दिस, सो लेट मी ट्राई. दिस इज़ गुड. यहाँ पे पैते है, ये भी ट्राई कर सकते हो. अच्छा है, मस्त है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा. ये लाइक काइंड ऑफ सनफ्लावर का टेस्ट आ रहा है. इज अनदर वन, दूसरा टेस्ट भी है. ये ऑयल है. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सनफ्लावर फ्लेवर जैसा है, तो ये भी ले सकते हो. घर के लिए है अगर लेना चाहते हो, डिफरेंट टाइप का. अच्छा है, टेस्ट है, मुझे अच्छा लगा. एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है. कलरफुल, देखो गोभी, वो भी कलरफुल. मुझे लगा पहले फ्लावर है, पहले ये क्या है, गोभी. मशरूम लवर्स, दिस इज़ फॉर यू. यहाँ पे ट्राई मिल रहा है तो ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं. करो मशरूम ट्राई फॉर. थैंक यू. दिस इज़ इट. इस बार गर्म है, इस बार ठंडा कर लो उसके बाद. वेरी क्रीमी, वेरी नाइस. यहाँ से ले सकते हो आप. दिस इज द रेस्टोरेंट, मशरूम, वाइल्ड मशरूम रिसोटो, ठीक है. यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग अगर आप मशरूम पसंद है तो. दिस इज़ ऑल अबाउट मशरूम, यहाँ पे सिर्फ मशरूम मिलता है. सो या मशरूम. No mushroom. Right. Thank you so much. Yeah. We use at least a 15 variety of mushroom. This is a 50 variety of mushroom. Wow. It's coming on the top. See, it's game changer. Governor. Definitely won't drunk. Yeah. Definitely. I'm sure. The restaurant. It's 25 pound ke budget pe nahi aa rahe ho, so aap ye bhi try kar sakte ho. This sandwich is really. Look at the meat. मीट देखो, आई मीन जो खाएगा उसी को पता है क्या टेस्ट होने वाला. इट्स गोना बी यमी. सो ट्राई दिस वन प्लीज़. बाय द वे, सब जगह पे फ्री सैंपल मिलता नहीं है. अगर आपको फ्री सैंपल चाहिए तो सब जगह नहीं मिलता है. जस्ट टू लेट यू नो, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ फ्री सैंपल का कि वही खा के पेट भरा लो, नहीं ऐसा नहीं है. बट सब जगह नहीं मिलता है, मोस्टली एशियन रेस्टोरेंट्स वगैरह पे मिलता है. सो जहाँ हो रहा है मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना. जा नहीं हो रहा आप, ये क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ अब. देता नहीं है यार, सब जगह पे नहीं देता. एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाई पे यहाँ पे, जो कि मुझे नहीं लगता वर्थित है, जो मैं पर्सनली सोचता हूँ वर्थित नहीं है डेफिनेटली, वो है ये. कुछ है नहीं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी पे है, स्ट्रॉबेरी पे सिर्फ चॉकलेट डाल रहा है. एंड इसको एट पाउंड फिफ्टी. आई मीन स्ट्रॉबेरी कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी एंड जस्ट चॉकलेट, दैट्स इट. सो इट्स 8 pound 50 करके है. यू कैन क्लियरली सी चॉकलेट. सिर्फ स्ट्रॉबेरी अगर लेना है तो 6 pound, एंड अगर चॉकलेट लेके लेना है तो 8 pound 50. आई मीन अगेन, जिसके पास पैसा है वो ट्राई कर सकता है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं. मैं घर पे न्यूटेला खरीद के, भाई न्यूटेला पे दोनों पूरा न्यूटेला का जाड़ भी आ जाएगा,
और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कितना सारा स्ट्रॉबेरी 8 pound में आ जाएगा यार, नहीं कुछ है ही नहीं उसमें यार। Cheesy red wine. How old is this? Around 4 months. 4 months, yeah? This is a calf milk and you try this one. This is what I tried. So, maine abhi ye try kiya. And ye 4 pound 100 gram hai, which tastes really good, really good. This is drunken cheese. ये शॉप का नाम है, ये मेरा फेवरेट केक है, दिस इज़ माई फेवरेट वन, कैट केक। जो बड़ा वाला मील मैंने बोला था वो सोचा मैं यूके का ट्रेडिशनल जो है वो वाला ट्राई करेंगे, वो है फिश एंड चिप्स। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है, हम लोग के लिए क्या है, माछ मछली है और क्या, और उसके साथ उसमें खाली वो तेल में फ्राई करते हैं और कुछ नहीं है, इसमें है कुछ नहीं। बट अभी इसका ट्रेडिशनल है यूके का तो दिखाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, तो मैं वही वाला सोच रहा हूँ कि फिश एंड चिप्स जो यूके का ट्रेडिशनल फूड है वही वाला इस पर ऐड करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच इट गोना बी, लाइक अराउंड 11 pound 12 pound जैसा बजट मुझे लग रहा है होना चाहिए। तो एंड देन आफ्टर दैट एक स्वीट कुछ लेंगे, सो दैट विल कम्प्लीट द होल 25 pound। तो लेट्स सी कम ऑन लेट्स गो। डाइट कोक, यप, सॉरी, आई नो, कैन आई हैव सम मायो एंड व्हाट एल्स सॉस डू यू, साल्सा एंड मेयो। No, that's fine. That's fine. No way. I'm trying to keep it in budget, like budget friendly. So, जिसे पता नहीं है ये इसको बोलते हैं fish and chips, इसको बोलते हैं fish, और chips side में देता है तो उसको fish and chips वो complete हो रहा है। बहुत ज़्यादा तेल है but क्या करें, अभी challenge लिया हूँ, करते हैं देखते क्या होता है। Got it, already got it. So, here we go, fish and chips. That's the fish and chips, we got it. That's the chips, you got it? It's hot. And let's try the fish. I mean, chips is okay. Normal chips jaise hota hai, waise hi hai. Fish fresh to hai. But again, maine jaise bola ki bahut zyada oily hai. जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो ट्राई कर सकते हैं ऑब्वियसली, कभी भी अगर आप फिश एंड चिप्स कभी ट्राई नहीं किए तो ये डेफिनेटली ट्राई करो। बट इट्स ऑल जस्ट क्या है ना, जस्ट फ्राइड है और कुछ नहीं, और कुछ है नहीं इसमें, ऑनेस्टली कुछ नहीं है, सो ब्लंट। बट मैंने इसलिए ये किया क्योंकि ये सबको पता है कि यूके का ये ट्रेडिशनल फूड है, तो मैं जस्ट दिखाने के लिए ट्राई किया और ऐड किया इसमें। पर्सनली मेरा फेवरेट नहीं है पाउंड, जो मेरा 25 का बजट हो गया विद दिस डाइट कोक। सो इसके बाद मैं एक प्लस पॉइंट, एक बोनस रखूँगा विच इज़ गोना बी सेवरी ऑब्वियसली, लाइक डेजर्ट, जो कि मैं सोचा हूँ डोनट ऐड करूँगा, जो कि यहाँ का सबसे बहुत फेमस डोनट शॉप है, वहाँ पर जाके हम लोग ट्राई करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, प्रॉबली इन और शायद 4 pound 5 pound एक्स्ट्रा मेरा जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा बोनस मैं डाल रहा हूँ वीडियो पर, ताकि जो लोग ऑब्वियसली खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने का मन तो करता है ना, तो वही वाला करेंगे। चलो सो लास्ट में जो मैंने बोला था कि स्वीट कुछ दिखाऊंगा जो कि एज अ प्लस पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे ये मेड अप होता है, यहाँ पे ये सब से देख सकते हो, इसे पॉइंट करके बनाते हैं। सो दिस शॉप इज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना। ऑब्वियसली 25 pound मैंने मस्ती करने के लिए है, बट ऑब्वियसली 25 pound तो होगा नहीं, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा कम खर्चे में ही हम लोग चाहते हैं कि हो जाए जितना हो सके, तो मैं वही दिखाया और कुछ नहीं, बट 25 pound तो होगा नहीं फॉर श्योर, उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये लंदन है और लंदन का सबसे बिजी मार्केट है, तो
प्लीज़ ट्राई करो, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है. मैं खा के बताता हूँ, रिव्यू देता हूँ कि कैसा है. ऊपर पूरा क्रिस्पी है, एकदम प्रॉपर दिस स्ट्रक्चर. ये सी इट, इट्स टोटली क्रिस्पी. ये शुगर शुगर का है, शुगर बट शुगर क्या बोलते उसको, मेल्ट किया हुआ है, शुगर मेल्ट किया हुआ है. इट्स क्रीमी, शुगर के नीचे जो है ना इट्स क्रीमी है, तो यू कैन से सो बाय द वे गाइस, जो मैंने अभी एरिया दिखाया बोरो मार्केट, वो जस्ट 5 मिनट्स ऑफ वॉक फ्रॉम लंदन ब्रिज. नहीं, सबको लगता है ये लंदन ब्रिज है, पर ये लंदन ब्रिज नहीं है, ये टावर ब्रिज है. तो यहाँ से आप वॉक करके जा सकते हो, ये जो पाथ है ये फॉलो करके जा सकते हो. यहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स ही लगता है. तो अगर आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आपको खाना है कहीं कुछ अच्छा खाना है, डिफरेंट वेराइटीज़, तो ये फॉलो करो. मैं डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली एड्रेस डाल दूँगा. आओ बताओ कॉमेंट सेक्शन पर आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आऊँगा इंटरेस्टिंग आपके लिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड देख रहे हो मेहनत कर रहा है भाई, प्लीज़ कुछ तो कर दो यार, कुछ तो कर दो. बट एनीवे, होपफुली आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, एंड गुड लक. टिल देन टेक केयर, लव यू गाइस.